खलारी रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार सहित 31 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को खलारी में सीसीएल एनके एरिया को बंद करा दिया गया। बंद के कारण सीसीएल एनके एरिया की कोयला उत्पादन एवं कोयला ढुलाई पूरी तरह से ठप हो गया। सुबह से ही रैयत विस्थापित मोर्चा के सदस्य एवं रैयत विस्थापित सड़क पर उतर कर एनके एरिया की विभिन्न परियोजनाओं में घूम घूम कर खदान का काम और कोयला ढुलाई को बंद कराया। बंद को लेकर सभी परियोजना में सीआईएसएफ जवान की तैनाती की गई थी। एनके एरिया की रोहिणी, डकरा, पूर्णा डी, केडीएच एवं चूरी परियोजना में विस्थापित मोर्चा के लोग जुलूस की शक्ल में पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर तथा सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर दोपहर में केडीएच कांटा घर के समीप एकत्रित हुए रैयत विस्थापित मोर्चा के लोगों के साथ सीसीएल प्रबंधन ने वार्ता की, जिसमें मोर्चा अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता सहित मोर्चा के अन्य लोगों ने अपनी 31 सूत्री मांगों को रखा। एनके एरिया महाप्रबंधक संजय कुमार ने मोर्चा की सभी मांगों को सुना और मोर्चा को सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। साथ ही मोर्चा की मांगों के आलोक में 2 जून को त्रिपक्षीय वार्ता कराने का आश्वासन प्रबंधन की ओर से दिया गया। वार्ता में मिले आश्वासन के बाद मोर्चा ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। वार्ता में एनके एरिया महाप्रबंधक संजय कुमार के साथ प्रबंधन की ओर से एसओपी ज्योति कुमार, केडीएच पीओ जे अब्राहम, रोहिणी पीओ जे के सिंह तथा मोर्चा की ओर से एरिया अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता, केंद्रीय उपाध्यक्ष इकबाल हुसैन, रामचंद्र उराव, जगन्नाथ महतो, जालिम सिंह, नरेश गंझू, रामलखन गंझू, विनय खलखो, नागेश्वर महतो, अनिल पासवान, प्रकाश महतो, अमृत भोक्ता, दामोदर गंझू सहित कई लोग मौजूद थे। विस्थापित को का हक अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। विस्थापित को हक अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। बुनियादी सुविधा देना होगा, देना होगा, देना होगा। रैयत विस्थापित मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रैयत विस्थापित मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक दिवसीय बंदी जो रैयत विस्थापित मोर्चा के ओर से जो रखा गया था और इनके प्रबंधक आए और अपना रोहिणी परियोजना अधिकारी थे, केडीएच परियोजना अधिकारी थे और अपना एरियास भी अधिकारी सब आए थे और हम लोग के पर्ता यही हुआ कि आश्वासन दिए हैं कि 2 तारीख के हम लोग के फिर एक 6 वार्ता के लिए मीटिंग बुलाया गया है। उसमें प्रशासन द्वारा डीएसपी साहब रहेंगे और अंचल से सीओ साहब रहेंगे और उसमें रैयत विस्थापित मोर्चा कोर से जितने अधिकारी कर रहेंगे और उस मीटिंग में लिखित तौर पर हम लोग के मीटिंग में जो मिलेगा और उसमें भी हम लोग एक समय भी निर्धारित समय की मांगेंगे कि जो मांग 31 सूत्री जो था कब तक ले आपका डेट को फिक्स करने के लिए बोलेंगे। अगर उसमें अगर सीसीएल का ही फिर छल कपट करेगा तो हम लोग आने के वाला समय में नीतीश काल के लिए बंद कर देंगे और आज के जो हमारा बंदी था ये कहीं तो टेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है। अगर आज से के बंदी में अगर सीसीएल होश में नहीं आते हैं और इनका अगर समझ नहीं आते हैं तो आगे चल के इनका हम लोग समझाने के भी काम करेंगे और डीएम साहब आश्वासन देंगे अपना चल गए और जो हम लोग 2 तारीख के जो मीटिंग है उसमें हम लोग सब जितना इनके एरिया के रैयत विस्थापित मोर्चा के अधिकारीगण सब उपस्थित रहेंगे और जिस ढंग से हम लोग के आज जो बंदी था हम लोग इनके एरिया पूरा तमाम हम लोग 1-1.5 बजे तक ले 6 से 1.5 बजे तक ले हम लोग एक थोड़ा कोयला नहीं जाने दिए हैं। ये हम लोग एक इनका एक चेतावनी दिए है कि आज तो एक थोड़ा कोयला नहीं किया है 6 से 1.5 बजे तक ले, आगे गलत ऐसा नहीं करिएगा। जो ग्रामीण के यहाँ हक अधिकार मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, बस ये कह के हम मोर्चा ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हड़ताल का आयोजन किया था। जो हम लोग यहाँ पर केडीएस काटा नंबर 2 के पास में एक बैठक की गई, उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक अधिकारी के साथ में जिसमें सीओ और डीएसपी खलारी रहेंगे उनके साथ में 31
शांति सूत्री मांगों को लेकर 2 तारीख को बैठक निर्धारित की गई है और ये जितने भी मांगे हैं वैसे तो प्रबंधन ने सभी मांगों को संज्ञान में लिया है और उस पर कार्रवाई कर रही है, फिर भी पूर्ण सहमति और विश्वास जताने के लिए पुनः बैठक 2 तारीख को की जाएगी जो कि हम लोग इसमें सहमति देते हैं और हम लोग पूरी तरह से वैसे भी शुरू से ही रैयत का ख्याल रखते हैं, अभी भी रैयत का ख्याल रखेंगे, भविष्य में भी रखेंगे।